डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग साइंस में इसके पहले ह्यूमन हार्ट को पढ़ रहे थे, मानव हृदय को पढ़ रहे थे। अब हम लोग ऐसे कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हृदय से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि हृदय का आकार मुट्ठी के तरह होता है, उससे सिराएं निकलती हैं, धमनियां निकलती हैं, धमनियां आकर जुड़ती हैं, और दूसरी तरफ वो चार कोष्ठ में बटा हुआ होता है, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। तो इसके इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब चलते हैं हृदय से रिलेटेड कुछ जुड़ा हुआ अंग होता है उसके बारे में। जैसे सबसे पहले हम लोग, ये भी हृदय से ही रिलेटेड पार्ट है, जैसे हमारा बॉडी का पूरा पार्ट हो गया ना, नाक आँख कान मुंह, उसी तरीके से हृदय का एक पार्ट है जिसको बोलेंगे रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं यानी कि जो हम लोगों को टॉपिक है वो सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे अभी, रुधिर वाहिकाएं के बारे में। वाहिकाएं का मतलब, वाहक का मतलब ढोने वाला, ठीक है। और ढोने वाला को किसको ढोने वाला, तो रुधिर, रुधिर मतलब खून को ढोने वाला। यानी कि स्पेशल आज हम लोग टॉपिक्स दिए हैं रुधिर वाहिकाएं, इसका मतलब है कि जो खून को ढोता है उसके बारे में हम लोग आज डीपली नॉलेज लेंगे। तो चलिए इसके बारे में फर्स्ट एरो लिखा जाए, रुधिकार रुधिर वाहिकाएं टॉपिक देकर लिखा जाए। धमनी, धमनी आप देखे देख पा रहे होंगे, जब आप फिगर बनाए होंगे हृदय का, तो उसमें धमनी भी यूज किया जा रहा होगा और सीरा भी यूज किया जा रहा होगा, ठीक है। धमनी के जगह पे महाधमनी भी लिखा जाता है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए फर्स्ट एरो, फिर हम समझाते हैं। धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं, धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। चलिए सबसे पहले आपको समझना चाहिए, कोई पूछेगा कि धमनी का क्या काम है, क्योंकि आप हर्ट में तो धमनी भी इस्तेमाल किया है, तो धमनी का मतलब है, धमनी एक तरह का पाइप है, एक नली है जिसका काम है हृदय से खून को लेकर और पूरे बॉडी में फैला देना। यानी कि धमनी का काम होता है शरीर के हृदय से खून लेकर और पूरे शरीर में भेजना, ठीक है। तो वही बात लिखे हैं कि धमनी एक तरह का रुधिर वाहिका है। रुधिर का मतलब खून को ढोने वाला। जैसे अभी हम लोग नवीनगर से चलकर औरंगाबाद जाते हैं बस के माध्यम से, तो बस हम लोगों को क्या किया, बस जो है सवारी को ढोया। उसी तरीके से धमनी एक तरह का बस है जो किसको ढोता है, तो रुधिर को ढोता है, खून को ढोता है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक ढोता है ये याद रखिएगा कि धमनी का काम क्या है, हृदय से जो धमनी निकलता है वो धमनी का काम है हृदय से ब्लड को लेकर पूरे बॉडी तक भेजना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, फिर लिखेंगे सिराएं। देखिए हृदय में, हृदय का जब फिगर बनाए होंगे तो धमनी भी लिखे होंगे और सिराएं भी लिखे होंगे, तो वही सिरा के बारे में। सिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है, चलिए ध्यान दीजिएगा। कोई पूछेगा कि धमनी और सिराएं का क्या महत्व है हमारे हृदय में या हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर में धमनी का जो काम है हृदय से खून लेकर पूरे बॉडी में भेजना, लेकिन सिराएं का काम है पूरे शरीर से ब्लड को लेकर हृदय में पहुंचा देना। अब आपको लग रहा होगा कि सर ऐसा क्यों, एक का काम है शरीर से खून को बटोरना,
एकत्रित करना और एक का काम है शरीर में पहुंचाना। तो आखिर ऐसा करने का मतलब क्या है? तो दोस्तों आपको जानना चाहिए कि हमारे पूरे ब्लड शरीर में दो तरह का रक्त होते हैं, एक शुद्ध रक्त और एक अशुद्ध रक्त। तो जो हमारे बॉडी की आवश्यकता जो होती है वो शुद्ध रक्त की होती है, लेकिन उसमें कुछ भी अशुद्धि रह के कण रह जाते हैं, कुछ अशुद्ध पदार्थ रह जाते हैं। जैसे मान लिया कि धमनी जो है हृदय से शुद्ध रक्त को ले गया पूरे बॉडी में, तो जब पूरे बॉडी में ले गया तो पता चला कि वहाँ पे जो बॉडी के पार्ट्स है वो रिकवरी नहीं दे रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ये खून खराब है। जैसे मान लिया कि बाहर से कपड़े आते हैं, बाहर से सब्जियाँ आते हैं, बाहर से फल आते हैं, लेकिन हम आप जब जनता लोग खरीदते हैं तो अच्छा को खरीदते हैं। जैसे मान लिया कि फल में आम है, अंगूर है, सेब है, संतरा है, ये बाहर से पैकिंग होकर आ गया, गाड़ी जो है पैकिंग करके ला दिया। जब हम उस आम को संतरा को जब खरीदने जाते हैं तो अच्छा वाला को चुन चुन कर ले लेते हैं और जो खराब रहता है उसको छोड़ देते हैं। ये तो फल में हुआ कि सड़ गया, लेकिन अगर मान लिया जाए कि कपड़ा है तो वो खराब वाले को छोड़ देते हैं। तो दुकानदार क्या करता है, फिर वो जो खराब कपड़ा है उसको फिर से कंपनी में वापस ट्रांसफ़र कर देता है। तो सेम वही होता है दोस्तों, जो दूसरा कुछ नहीं है, हमारा हृदय जो काम करता है, देखो हमारा जो हर्ट है ना, हृदय है वो काम करता है एक बहुत बढ़िया इंजन की तरह। उसका काम है अशुद्ध रक्त को शुद्ध बनाना, और ये धमनी का काम है कि जो शुद्ध रक्त हो गया वहाँ से ब्लड को लेकर पूरे बॉडी में पहुँचाना। अगर मान लिया कि धमनी का काम है कि शुद्ध रक्त, उसको पता चला कि शुद्ध है, क्योंकि जो दुकानदार सामान लाता है बाहर से तो दुकानदार तो अच्छे समझ के ना सामान लाता है, लेकिन जब यहाँ ग्राहक लोग उसको छांट देता है तब वो क्या करता है, सामान को वापस कर देता है। तो सिंपल धमनी क्या किया, तो हमारे हर्ट से शुद्ध रक्त को उठाया और पूरे बॉडी में छोड़ दिया, और जैसे ही पूरे बॉडी में चल गया यानी कि पैर के अंगूठा तक जाता है, आपको पता होना चाहिए नस के माध्यम से, उसको हम लोग नस कहते हैं, जिसमें ब्लड जो है आते जाते रहता है। तो क्या किया, तो पूरे ब्लड हमारे शरीर में फैल गया। कौन फैलाया, धमनी। तो जैसे ही पूरा शरीर के में ब्लड फैल गया तो नाक में जैसे ही नाक वाले नस में गया तो बोल रहा है नाक ना कि ना भाई वाला खून जो है ना खराब है, आप इसको ले जाओ। तो सिराएं फटाफट क्या किया कि जहाँ से ब्लड खराब है यानी कि अशुद्ध रक्त को सिराए जो हैं पूरे शरीर से एकत्रित करके वापस फटाफट हृदय में लाता है, और ये दोनों क्रियाएं चलती रहती है, इसीलिए पंप करते रहता है। पंप किया तो पूरा फटाफट यहाँ से ब्लड हृदय से, जैसे मान लिया कि ये ब्लैडर की तरह ना है, जैसे ये अभी खून इसमें भरा हुआ है, जैसे ये प्रेस किए तो यहाँ से फटाफट नली में खून बह गया। तो बह गया यानी कि पूरे शरीर तक पहुंच गया, हम उसको हृदय का धड़कना बोलते हैं। जैसे ये फूला हृदय तो फटाफट अशुद्ध रक्त पूरे शरीर से इसमें इन हो गया, और ये इतना जल्दी होता है दोस्तों क्योंकि एक मिनट में ये 72 बार क्रिया होता है, इसीलिए हम बोलते हैं हमारा हृदय एक मिनट में जनरली 70 से 72 बार 74 बार धड़कन होना चाहिए। एक मिनट में आप सोच रहे हैं कि ये 72 बार ऐसे ऐसे प्रेस होता है, ऐसे ऐसे दबाया जाता है हमारा हृदय। तो आप समझ रहे हैं ऐसे का मतलब क्या, पूरे शरीर में फटाफट खून स्पीड फुल स्पीड से गया, ऐसे का मतलब अशुद्ध रक्त फटाफट फिर इस टंकी में भर गया, और ये अंदर का क्रिया इतना जल्दी हो गया कि फिर ये एक मिनट में 72 बार शुद्ध रक्त होती है और पूरे शरीर तक भेजा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि धमनी भी खून को ढोता है, सिराएं भी खून को ढोता है, लेकिन धमनी जो है हृदय से खून को लेकर पूरे बॉडी तक। जैसे मान लिया कि गाड़ी से ही माल आता भी है और माल जाता भी है, जैसे कपड़ा का कोई बिजनेस किया है तो कपड़ा गाड़ी से लाता है और गाड़ी से ले जाता है, लेकिन जो लाता है वो अलग गाड़ी रहता है, और जो यहाँ से छटनी माल होता है दुकानदार अपना तरफ से गाड़ी करता है उसको बोलते हैं सिराएं, यानी कि पूरे ब्लड जो है पूरे शरीर से ब्लड जो है एकत्रित करता है जो अशुद्ध रहता है, वो सीरा जो है वापस कहाँ लाता है, शुद्ध होने के लिए हृदय में। लेकिन जो हृदय से शुद्ध रक्त होता है वो धमनी कहाँ ले जाती है, पूरे ब्लड में, पूरे शरीर में सॉरी। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखेंगे नेक्स्ट एरो, रुधिर वाहिका के थर्ड एरो, किसी अंग तक
किसी अंग तक रुधिर को पहुंचने के लिए धमनी धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित होती है। धमनी धमनी छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है चलिए अभी हम लोग क्या सीखें। आपको लगता होगा कि हमारा हृदय से सिर्फ एक पाइप जुड़ा रहता है जिसको धमनी कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये हमारा हृदय से धमनी में भी बहुत तरह तरह का छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं जिसको हम लोग नस कहते हैं। सिंपल बहुत सारा एकदम पार्टे पार्ट अलग अलग पूरे शरीर में फैला रहता है, यानी कि समझो कि एक नली का जाल फैला हुआ है हमारे बॉडी में जिसको नस कहते हैं। ठीक है, ये धमनी तो मेरा मेन हुआ। अब इस धमनी से छोटा 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 बहुत तरह का इसमें नली फैला हुआ है, यानी कि उसको छोटा छोटा वाहिका बोलते हैं। धमनी का ही छोटा छोटा पार्ट टूटा हुआ है जिसमें ब्लड का वाहिका होता है, ब्लड का वाहन होता है, ब्लड जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें हम लोग टॉपिक्स में धमनी और सीरा के बारे में सीखे। अब चलिए नेक्स्ट सीखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स ये टॉपिक बनाएंगे। अब ये प्लेटलेट्स क्या है? ये दोस्तों हमारे खून में होता है, खून में मौजूद होता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स का काम क्या है? ठीक है, ये कहाँ मौजूद होता है तो आपको याद रखना चाहिए कि जो ब्लड को ढोता है, ब्लड को ढोने का काम करता है धमनी। जैसे मान लिया कि कपड़ा को ढोने का काम करता है गाड़ी, ट्रक। लेकिन अब कपड़ा में कौन है? सलवार है, सूट है, कमीज है, शर्ट है, पैजामा है, समझ में आ रहा है? तो कपड़ा में भी हो सकता है ना कि कौन सा कपड़ा। वैसे ही ब्लड में भी एक मौजूद रहता है तत्व जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ये कहाँ मौजूद होता है? तो ब्लड में शामिल होता है। अब इसका काम क्या है, ये काम क्या करता है प्लेटलेट्स, जरा समझते हैं। तो प्लेटलेट्स के नीचे एरो देंगे, लिखा जाए, जब हम घायल हो जाए और रक्तस्राव होने लगे, रक्तस्राव का मतलब रक्त बहने लगे हमारे। जैसे मान लिया कि घायल हो गया, कट गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हाथ ही कटा गया, तो यहाँ से ब्लड निकलने लगा, है ना। तो जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे तो इस रक्तस्राव को कम करने के लिए हमारा रक्त थक्का बनना शुरू हो जाता है। जिसमें प्लेटलेट्स क्रियाशील होता है। प्लेटलेट्स क्रियाशील होता है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, हम लोग पहले पढ़ते थे विटामिन के, ध्यान से सुनिएगा, विटामिन के। जैसे कि विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी नामक बीमारियां होती है, उसी तरीके से विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। लेकिन हम लोग विटामिन के बारे में जानते हैं कि विटामिन के की कमी से रक्त का जो है थक्का नहीं बनता है, मतलब क्या कि उसको प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है दोस्तों। अब प्लेटलेट्स की कमी होगी तो क्या होगा हानि? ये प्लेटलेट्स का मतलब समझना क्या है, यानी कि दोस्तों अगर मान लिया कि कभी कभी आपका हाथ पैर अगर कट जाता है तो वहाँ से ब्लडिंग चालू हो जाता है। ठीक है, तो किसी किसी व्यक्ति का अगर मान लिया जाए कि पैर हाथ कट गया तो वहाँ से जो ब्लडिंग चालू हो गया, तो ब्लडिंग चालू हो गया तो चालू हो गया, रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक है, जब ब्लडिंग चालू हो गया तो चालू ही रहता है, वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। और कितने ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनका ब्लडिंग चला और कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक ब्लड जो है थक्का बन जाता है,
जैसे ही वो बाहर निकलता है तो ब्लड का थक्का बन जाता है, और वही जो थक्का बनना यानी कि ब्लड का जो थक्का बनना कटने के बाद जो ब्लड निकलता है, तो ब्लड का थक्का बनना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि ब्लड जो है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे हम लोगों का पैर है और यहाँ से हम लोगों को कट गया, तो यहाँ से ब्लड निकलने लगा और कुछ देर के बाद यहाँ थक्का जम जाता है, तो यहाँ पे ब्लड फिर नहीं निकलता है, बंद हो जाता है, पैक हो जाता है। तो अगर दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनेगा तो हमारा बहुत शरीर से ब्लड निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इसलिए प्लेटलेट्स का काम क्या है कि अगर कहीं भी इंजरीज होती है, कहीं भी दुर्घटना होती है, तो प्लेटलेट्स फटाफट काम करता है उसको थक्का बनाने के लिए। यानी कि जो रक्त का थक्का बनाने में प्लेटलेट्स मददगार होता है। और अगर मान लिया कि किसी किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी होती है, तब हम उसको बोल देते हैं भैया तो विटामिन के कमी है, और विटामिन के कमी से रक्त जो है थक्का नहीं बनता है। लेकिन हम लोगों को शरीर में रक्त का थक्का बनना भी ज़रूरी है, कब, जब हम लोगों को शरीर कहीं कट जाए, छट जाए, ठीक है। तो कुछ देर, कभी कभी आपका हाथ पैर थोड़ा सा कटा होगा तो देखते होंगे कुछ देर तक ब्लड निकला और फिर अपने आप बंद हो गया। क्यों? क्योंकि आपके आपके शरीर ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा है, और वही प्लेटलेट्स की मात्रा क्या किया, रक्त को थक्का बना दिया और फिर रक्त को और रक्त को बाहर नहीं निकलने दिया। तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि हमारे इंजरी होने के बाद जो ब्लड को रोकता है, ठीक है, रक्त को थक्का बना देता है, तो वो किसके वजह से, तो प्लेटलेट्स की वजह से। तो दोस्तों हमें प्लेटलेट्स की बहुत ही आवश्यकता है। प्लेटलेट्स की अगर कमी हुई तो फिर दिक्कत है, कहीं भी अगर इंजरी होती है तो ब्लड आपकी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो इसी को हम लोग जूनियर क्लास में विटामिन के भी बोलते हैं कि विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है भाई, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो ये अलग बात हो। अब लेकिन हम लोग और डीपली नॉलेज समझें कि वो विटामिन के का मतलब क्या है, प्लेटलेट्स है, ये कहाँ मौजूद होता है, ब्लड में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का प्लेटलेट्स था, तो प्लेटलेट्स के बारे में समझे। तो एक ही पॉइंट था कि प्लेटलेट्स का काम क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देंगे जिसको बोलते हैं लसिका, ठीक है। ये लसिका है, अब ये भी एक अंग होता है हार्ट का, जिसका काम क्या है जरा समझते हैं, ठीक है। लिखेंगे फर्स्ट एरो, लसिका एक प्रकार का द्रव है, लसिका एक प्रकार का, फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, लसिका एक प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता प्रदान करता है, जो वहन में सहायता प्रदान करता है, जिसे जिसे ऊतक तरल भी कहते हैं, जिसे ऊतक तरल भी कहते हैं, जिसे ऊतक तरल भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल अगर पूछा जाए कि लसिका क्या है या प्लेटलेट्स का काम क्या है या हमारे शरीर में धमनी का कार्य क्या है, तो सबके बारे में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन नॉलेज रहेगा तभी तो। तो ध्यान रहे, लसिका का मतलब क्या है, तो लसिका अगर कोई पूछेगा कि लसिका क्या है, तो हम बोलेंगे कि लसिका एक प्रकार का द्रव है जो वहन में, वहन का मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में एक तरह का ये भी सहायता प्रदान करता है, हेल्पफुल है, जिसको हम लोग ऊतक तरल के नाम से भी जानते हैं। यानी कि लसिका का दूसरा नाम क्या है, ऊतक तरल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए यदि रुधिर में, सॉरी यदि नहीं, बाय मिस्टेक, सेकेंड एरो में लिखेंगे लसिका रुधिर में प्लाज्मा की तरह है लेकिन यह रंगहीन है। ध्यान दीजिएगा, रंगीन नहीं, रंगीन और रंगहीन में अंतर है। ये रंगहीन हम बोले हैं, रंगहीन है, तथा इसमें अल्प मात्रा में
प्रोटीन होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे कि लसिका के बारे में पढ़ें कि लसिका क्या है, तो एक तरह का द्रव है, ठीक है, जो वहन के रूप में सहायता करता है, ठीक है, वहन के लिए सहायता प्रदान करता है। वहन का मतलब कि ढोना, एक स्थान से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए लसिका भी हेल्प है मेरे लिए, लसिका भी मदद करता है, चाहे वो धमनी के साथ मदद करता हो, चाहे तो सीरा के साथ मदद करता है, लेकिन लसिका भी मदद करता है खून को वाहन करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। सेकेंड एरो में लिखे हैं कि रुधिर जो है ना, ये जो लसिका है, यह एक रुधिर में जैसे प्लाज्मा होता है ना, वैसे उसी की तरह ही है, यानी कि ये भी लसिका जो है ये भी ब्लड में ही होता है, ठीक है, याद रहे। जैसे कि खून में प्लाज्मा होता है, जैसे कि खून में प्लेटलेट्स होता है, वैसे खून में लसिका भी होता है। ध्यान रहे क्या होता है, लसिका होता है, लेकिन दोस्तों ये लसिका का जो कलर है वो रंगहीन है। जैसे आप पानी पीते हैं, पानी तो पानी का क्या कलर है, उसका कोई कलर नहीं है, नहीं वो उजला है, नहीं काला है, नहीं पूरा ये भूरा है, यानी कि जल का कोई रंग नहीं होता है। आपको जानना चाहिए, अगर कोई पूछे कि पानी का रंग कैसा है, तो हम बोलेंगे कि यह रंगहीन है। रंगहीन का मतलब इसका कोई रंग नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीके से आपको जानना चाहिए कि लसिका भी एक तरह का क्या है, रंगहीन है, लेकिन इस लसिका में बहुत कम मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए लिखा गया है कि इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरो लिखा जाए, नेक्स्ट एरो में लिखेंगे लसिका का अंत बिंदु हृदय के सिरा में खुलता है, हृदय के सिरा में खुलता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम लोग हृदय वाले फिगर में देख पा रहे होंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है फुफ्फुस के सिराएं, ठीक है, वहाँ पर महाधमनी भी लिखे हुए हैं हम लोग, फुफ्फुस धमनियाँ, फुफ्फुस सिराएं। तो मेरा कहने का मतलब कि जो सिराएं होती है ना, तो लसिका का सबसे अंत बिंदु कहाँ खुलती है, तो हृदय के सिराएं में, जहाँ फुफ्फुस की सिराएं लिखे हुए हैं हम लोग, वही सिराएं में लसिका का अंत हो जाता है। तो याद रखिएगा कि लसिका का अंत बिंदु कहाँ है, तो सिराएं में, ठीक है। लिखा जाए नेक्स्ट एरो, यानी कि लसिका का नेक्स्ट एरो, पचा हुआ भोजन, नेक्स्ट एरो देकर, ये लसिका का ही नेक्स्ट एरो है, पचा हुआ भोजन तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका का द्वारा होता है। देखिए लसिका भी एक तरह का वहन का काम करता है, लेकिन अब किसको वहन करता है, मुख्य रूप से किसको, जैसे मान लिया कि धमनी और सिरा ब्लड को ढोता है, वैसे ही जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो मेरा भोजन पचता है, ठीक है, यानी कि वो भोजन का पाचन कहाँ होता है, क्षुद्रांत्र में ना अवशोषित होता है, भोजन से अवशोषित कर लिया जाता है वसा, यानी कि फैट। तो जब ये वसा हम लोग कोई भी भोजन खाते हैं, तो उससे जो वसा हम लोगों को प्राप्त होता है, तो यही वसा को ढोने का काम कौन करता है, लसिका, ठीक है। तो ध्यान रहे, हम लोगों का जो भोजन है, वो भोजन से हम लोगों को जो वसा प्राप्त होता है, तो इस वसा को ढोने का काम करता है कौन है, लसिका। याद रखिएगा, लसिका जो है हमारे भोजन से प्राप्त वसा को वहन करता है, मतलब वसा को ढोता है। तो दोस्तों इस तरीके से मानव के बारे में, हृदय से रिलेटेड बहुत सारी जो टॉपिक्स थे, पॉइंट्स थे, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग एक नए टॉपिक्स की शुरुआत करने वाले हैं, जो थोड़ा सा मानव से हट के है, यानी कि अब हम लोग पढ़ेंगे पादपों में परिवहन।
जैसे कि परिवहन का मतलब वहन या परिवहन, दोनों एक ही बात हुआ। वहन का मतलब या परिवहन का मतलब होता है किसी भी वस्तु या पदार्थ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जैसे मान लिया कि बस एक तरह का परिवहन का सेवा है, परिवहन है, यानी परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का माध्यम है। उसी तरीके से दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग मानव में पढ़ रहे थे कि मानव में जो वहन होता है वह हृदय के माध्यम से होता है, जिसको पंपन यंत्र भी बोल सकते हैं, उसी तरीके से दोस्तों आज हम लोग पादपों में परिवहन पढ़ने वाले हैं। यानी कि आपको जानना चाहिए कि मानव के जैसा भी पादपों में, यानी कि पेड़ पौधों में भी वहन की क्रिया होती है। उनके अंदर में भी जो चीज़ जरूरी होती है, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इन सभी सारे चीज़ों का भी परिवहन होता है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग पादपों में परिवहन पढ़ते हैं। फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, सभी जीवों की तरह पादपों में भी, सभी जीवों की तरह पादपों में भी कच्ची सामग्री, कच्ची सामग्री का मतलब नाइट्रोजन, जल, CO2, यही सब कच्ची सामग्री में आता है, कच्ची सामग्री अथवा जल का परिवहन होता है। फिर से मिला लेंगे, सभी जीवों की तरह पादपों में भी कच्ची सामग्री अथवा जल का परिवहन होता है। जी हाँ, सभी जीव की तरह, जैसे हम लोगों में मानव में देख रहे थे ना, हृदय में एक ब्लड का परिवहन हो रहा था, उसी तरीके से सभी जीवों की तरह पादपों में भी, पेड़ पौधों में भी परिवहन का माध्यम होता है। चलिए फिर नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे, पादपों में मुख्य रूप से दो पदार्थों का परिवहन होता है। नेक्स्ट एरो में लिखा जाए, पादपों में मुख्य रूप से दो पदार्थों का परिवहन होता है, दो पदार्थों का परिवहन होता है। पहला नाम है जल का परिवहन, दूसरा भोजन का परिवहन। में क्या देख रहे हैं हम लोग, भोजन का परिवहन। तो ध्यान रहे दोस्तों, जैसे पेड़ पौधों में, यानी कि पादपों में बात करें, तो मुख्य रूप से दो पदार्थ का वहन होता है, एक जल का परिवहन और दूसरा भोजन का परिवहन। ठीक है, तो जल का परिवहन और भोजन का परिवहन, तो अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि जल का परिवहन क्या है और भोजन का परिवहन क्या है। ठीक है, तो जल और भोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पादपों में, यानी कि पेड़ पौधों में, जल का परिवहन कैसे होता है, यानी कि जल एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, क्योंकि जल जो है पौधों के जड़ द्वारा सोख लिया जाता है और एकदम पेड़ के पत्तियों तक जल का वहन होता है। और भोजन का बात करें तो भोजन जो है पत्तियों के माध्यम से होता है, पेड़ पौधों की पत्तियों से उनका भोजन बनता है, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड या सूर्य के प्रकाश बोल सकते हैं कि वो ग्रहण करते हैं पेड़ पौधों की पत्तियों से। और जब पेड़ पौधों की पत्तियों से सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया तो आखिर वो जड़ों तक कैसे भेज दिया जाता है, क्योंकि भोजन तो पूरे शरीर के लिए लागू होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या आखिर पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, पादपों में भोजन का परिवहन कैसे होता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले दिन टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है, यानी कि लिख लीजिए टॉपिक, पादपों में जल का परिवहन। ठीक है, पादपों में जल का परिवहन। तो दोस्तों, इस टॉपिक्स को हम लोग अगले दिन करेंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।